चैप्टर फर्स्ट है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों में पोषण। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। जैसा कि आप पहले से ही यह सीख चुके हैं कि भोजन के कंपोनेंट्स में, भोजन भोज्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और मिनरल्स, खनिज लवण होते हैं। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी एंड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और ये भोजन के जो घटक हैं जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, पोषक पदार्थ कहलाते हैं। न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाई एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन बाई आवर बॉडी। पोषण वह प्रोसेस है, वह विधि है जिसमें किसी जीव के द्वारा भोजन लिया जाता है और उसका पाचन, अवशोषण और उसका उपयोग, यूटिलाइजेशन हमारे शरीर के द्वारा किया जाता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। सभी सजीव जीवों में जैसे कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, परंतु एनिमल्स प्राणी जिसमें कि मनुष्य भी जुड़ा हुआ है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। दे ऑब्टेन इट्स फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। ये अपना भोजन पौधों या प्राणियों से, जीवों से प्राप्त करते हैं दैट ईट प्लांट्स, जिन्हें कि पौधे, ये एनिमल जो हैं पौधों को खाकर जीवित रहते हैं। दस All humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. इस प्रकार से सभी ह्यूमन, सभी मनुष्य या जीव जंतु डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से या इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर करते हैं।